नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपके ज्ञान न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ अंशु। लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीन लुटेरे पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। जी हाँ, थाना अहमदगढ़ क्षेत्र में पुलिस पर फायरिंग कर भागने की फिराक में थे तीनों बदमाश। बदमाशों से लूटी हुई मोटरसाइकिल व मोबाइल पुलिस ने किया बरामद। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। शातिर लुटेरे थाना अहमदगढ़ के रहने वाले हैं, पहले भी दे चुके हैं लूट की घटनाओं को अंजाम। अहमदगढ़ पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सर, ये तीन लुटेरे अपने किस तरह लूट करते थे और क्या इनका अपराधी रुपया? तीन तारीख को, इस महीने की तीन तारीख को, उधम सना सुखदेव सिंह जो अकबराबाद कनैनी के रहने वाले हैं, थाना अहमदगढ़ के, अलीगढ़ से आ रहे थे। रात को 10:30 बजे तीन अपराधियों ने असलहे के बल पर इन्हें रोक करके इनकी मोटरसाइकिल, बैग, मोबाइल आदि छीन लिया था। थाना अहमदगढ़ के इंस्पेक्टर और उनकी टीम के द्वारा अथक प्रयास करते हुए घटना का अनावरण किया गया। इन तीनों साथी अपराधी रहीमुद्दीन, मुस्तकीम और जुबैर जो अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई। इनके कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन तथा बैग आदि जिसमें इनके सामान थे वो सब बरामद कर लिया गया है। इनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, आग छुरी आदि बरामद किया गया है। देखिए, इसमें रहीमुद्दीन का एक लंबा आपराधिक इतिहास है, शातिर किस्म का पुराना लुटेरा है। एक दर्जन के आसपास लूट के मुकदमे हैं, मुस्तकीम के विरुद्ध 3 मुकदमे हैं और जुबेर के खिलाफ भी 3 मुकदमे पंजीकृत हैं। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल का आइकन दबाए जिससे आपको सभी न्यूज समय से मिलती रहे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर जरूर दें।